हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके से पापड़। तो आपने आज से पहले इस तरीके से तरबूज के छिलके से पापड़ कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। एकदम नई रेसिपी है फ्रेंड्स, तो फुल वॉच करना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगी रेसिपी। बिल्कुल नई रेसिपी, यूट्यूब पर पहली बार आज से पहले इस तरीके से किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो यह देख सकते हैं आप, हमने ये देखिए तरबूज का इस तरीके का छिलके को लेना, जिसको आप खाने के बाद में फेंक देते हैं ना, तो वही हमें यहाँ देखिए ये तरबूज का छिलके लेना है। तो आप तरबूज को खाने के बाद में इस छिलके को फेंक देते, तो अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच किया ना, तो उसके बाद आप कभी भी तरबूज के छिलके को नहीं फेंकेंगे। और इसी तरीके से आप भी तरबूज की रेसिपी बना करके ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम यूनिक और नई, तो फ्रेंड्स एकदम नई रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करना, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले हमें क्या करना है, चाकू से इसको किनारों में से इसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है, ताकि इसके जो अंदर का ये इसको हमें आसानी होगी निकालने में गिद्दे को, कि सॉफ्ट वाला इसी को हमें निकाल करके तैयार कर लेना है इसमें। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से हम इसके कट लगा लेते हैं, तो इससे क्या ये आसानी से निकल जाएगा यहाँ से छिलके में से। तो फ्रेंड्स, फिर से बोल रही हूँ आपसे, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपकी रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से हमें पहले इसको निकाल लेना है, और इस तरीके से देखिए इसको हमें, तो क्या है ना, इस तरीके से एक बार में ही निकल करके ये आ जाती है इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आपने इस तरीके से कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे पापड़ की रेसिपी। पापड़ या चिप्स आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमने ये निकाल लिया है। तो चलिए, इसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। देख पा रहे हैं, इस तरीके से कट करते हुए हम इसको निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरीके से देखिए हमने ये छिलके में से निकाल लिया है। तो इसी के हमें ये रेसिपी बना करके तैयार करनी है, जो इस तरीके का जो छिलका था ना, उसको हमने हटा दिया है। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक बर्तन लिया है, तो इसमें इसको डाल देंगे, जो हमने अभी तरबूज के छिलके में से निकाला, यहाँ इसको हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, नमक डाल करके इसको अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद इसमें हमें पानी ऐड कर देना है। तो देखिए, यहाँ हमने देखिए ये पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल करके इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है। तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको हमें साफ कर लेना है। अब यहाँ हमें इस पानी को निकाल देना है और दूसरा पानी डाल देना है इसमें। तो देखिए, यहाँ हमने इसको अच्छे से साफ करने के बाद में इसमें दोबारा से इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यह देखिए, यह हमने इसको गैस के ऊपर रख दिया पकने के लिए, तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है। तो चलिए, इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए, यह देखिए हमने गैस को ऑन कर दिया, तो पानी भी देखिए हमारा अच्छे से गर्म भी हो चुका है। तो क्या करना, अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेना है, बहुत ही जल्दी से पक करके तैयार हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। तो ये देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से देखिए हमने इसको पका लिया। तो अब क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसको हमें एक बर्तन में निकाल लेना है, ठंडा कर लेंगे इसको, ठंडे पानी से इसको एक दो बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने इसको ठंडे पानी से धो लिया है दो तीन बार। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे।
तो चलिए पहले इसको हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने तरबूज के छिलके का जो पेस्ट बना करके देखिए ये तैयार कर लिया। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक आपको पीस करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मिक्सी के जार के जो भी पेस्ट लगा हुआ उसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया। देखिए इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो यहाँ अब इस पेस्ट में हम एक चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ मैदा की जगह इसमें चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो देखिए मैदा को इसमें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ इसमें हम थोड़ी सी मैदा और डाल देंगे। इसको फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदा को। इसमें मैदा में कोई भी लम्स वगैरह गुठले वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो यह देखिए ये हमने घोल बना करके तैयार कर लिया है। तो इसमें देखिए ये हमने एक लाल मिर्च ली है, तो इसको हम इस तरीके से इसमें तोड़ करके डाल देंगे। तो देखिए इसको डाल करके इसको हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ इसमें अब हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन करके देखिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब पापड़ बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके का हमें इन्हें अच्छे से तेल लगा लिया। अब चलते हैं इसके बना लेते हैं पापड़। तो आप पापड़ इसके अपने हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। तो देखिए हम इस तरीके के इसके पापड़ बना रहे हैं। इसे देखिए हमने ये सारी पापड़ बना ली है। तो अब चलिए इनको धूप में सुखा लेते हैं। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। हमने इनको एक दिन की धूप लगाई थी। तो देखिए एक दिन में ये इस तरीके से सूख जाते हैं। अच्छे से तो अभी नहीं सूखे लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये सूख चुके हैं। तो जब ये अच्छे से सूख जाए ना, एक दिन की धूप और लगा लेंगे तो उसमें ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको देखने से ही पता चला होगा कितने अच्छे देखिए ये पापड़ बन करके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।